मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हिंदू और हिंदुत्व पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। आपको मैं बता दूं, एक ऐसे चर्चित धर्म गुरु को अतिवाद का संज्ञा दिया गया है, वह भी नेपाल में। नेपाल में पहली बार धर्म गुरु, जो कि चर्चित धर्म गुरु है, उनको अतिवाद कहा गया है। और अतिवाद भी यहाँ के एक बहुत ही चर्चित पत्रिका और सबसे ज्यादा बिकने वाली, ज्यादा लोग पढ़ते हैं, और उसी पत्रिका में एक आर्टिकल निकला है, जिस आर्टिकल को ये कल प्रकाशित हुई है यह आर्टिकल। और उसमें धर्म गुरु को अतिवाद का संज्ञा दिया गया है। अब धर्म गुरु कौन है? तो जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, बागेश्वर धाम के संस्थापक श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। हाँ, श्री शास्त्री जी को नेपाल आने की बात है, और इसी को लेकर यहाँ की पत्रिका कांतिपुर ने कल एक आर्टिकल प्रकाशित किया है। उस आर्टिकल में आपको बता दें कि इतना विखवमन किया गया है कि अब नेपाली, मुझे लगता है कि नेपाली डिक्शनरी में जितना भी जहरीला वाक्य हो, जो जितना भी जहरीला शब्द हो, जो कि किसी जगह प्रयोग किया जाता है, उस सभी जहरीला शब्द को इस आर्टिकल में धर्म गुरु शास्त्री जी के खिलाफ प्रयोग किया गया है। अब यह कितना उचित है, चूंकि ये आप लोगों पर मैं छोड़ता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ उसकी पंक्ति आप लोगों को बता रहा हूं, और उसके अनुसार मैं इसका कुछ विश्लेषण करता हूं। आप सुनिए, इसका हेडिंग ही है, अतिवादी धर्म गुरु लाई चौधरी गुरु प्ले नेपाल ल्याऊं दी। इसका फर्स्ट लाइन है, धार्मिक विद्वेष र सामाजिक सद्भाव भड़काऊ ने। कहने का मतलब ये कृष्ण शास्त्री जी पर ये लगाया है कि धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं और सामाजिक सद्भाव को भड़काने का काम करते हैं, और ऐसा व्यक्ति को नेपाल के प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति विनोद चौधरी और चौधरी ग्रुप नेपाल ला रहा है अपने भक्तों के समक्ष। हाँ, अब चौधरी ग्रुप ला रहा है, इससे कांतिपुर को बैर है या चौधरी जी से क्या नहीं मिला है उनको? जबकि बाहर जो एक सर्वे है, और हमारा भी सर्वे है, कांतिपुर में अधिकांश विज्ञापन चौधरी ग्रुप का रहता है, फिर भी कांतिपुर ऐसा क्यों किया है जो उनको इस तरह एक आस्था का केंद्र है? कई जगह तो हिंदू शब्द पर भी इनको आपत्ति है। मैं आगे भी बताता हूं कि इसने क्या शब्द प्रयोग किया है। अब देखिए, श्री कृष्ण धीरेन्द्र जी पर, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर आगे बताया गया है कि अंधविश्वास तथा धार्मिक विद्वेष फैलाउने गरे को आरोप लाग दी आएको छ। अब देखिए, उन पर हिंसा भी भड़काने का आरोप इसमें लिखा हुआ है, और इस और बेटे क्या लिखते हैं, ये हिंसा भड़काने जैसा घृणास्पद अभिव्यक्ति देने का आरोप उन पर कहा गया है। अब ये, और हर एक पंक्ति में इन्होंने वही, यही कारण है कि शास्त्री लाई अतिवादी हिंदूहरू को भने साथ छ। देखिए, ये पंक्ति है कि अतिवादी हिंदूहरू को साथ छ, यानी कि अब शास्त्री जी के समारोह में जो भी जाएगा, जो भी हिंदू जाएगा, वो हिंदू अतिवादी हिंदू होगा इस आलेख के अनुसार। इसी आलेख में जो आगे आगे लिखा गया है, हिंदू
उन पर आरोप लगाया है कि हिंदू लाई एक हुनर और धर्म रक्षा का लागी हथियार उठाउन उनले सार्वजनिक अपील गरेका छन्। पत्थर चलाउने को घर माथि बुलडोजर चलाउने, देखिए किस तरह इस आर्टिकल को नेपाली में बंगियाना शब्द कहता है उसको टेढ़ा करके यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है। यह लोगों को भड़काने की बात हो रही है जो नेपाल में श्री धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन नहीं हो। हाँ, ये चीज इसमें उन पर आगे लिखा गया है कि शास्त्री ले भूत प्रेत उन्हें रतेश को उपचार आफूले गर्दै आए को भनेर अंधविश्वास फैलाउने, और अंधविश्वास फैलाने का भी इन्होंने आरोप लगाया है। और जहाँ तक चौधरी ग्रुप का सवाल है तो चौधरी ग्रुप पर भी है कि चौधरी जो स्वयं कांग्रेस सांसद हैं उनको उन पर जो है सो आरोप लग रहा है कि ये कांग्रेसी सांसद हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमने इस पर जो आज संकलन किया है, जो क्या ये श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो यहाँ पर हो रहा है उस पर यहाँ के हिंदू खुश है या नहीं, हमने सारा जगह से संकलन किया है, हर जगह इनका स्वागत हो रहा है। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि एक समाज शास्त्री को भी लिया गया है। समाज शास्त्री है सुरेश ढाकाल, और सुरेश ढाकाल जी का विचार रखकर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री का नेपाल आगमन जायज नहीं है, इनको रोका जाना चाहिए। शास्त्री अतिवाद का प्रवर्तक लाई राज्य र जनता दुबई चनाको भएर नेपाल मा मंच दिने दिन न होने मा जोड़ दिए, और वही बात इसमें कहा गया है जो किस तरह अब आपको हम बता दें। हमारे इसके लेखक इसमें दो व्यक्ति का नाम रखा गया है, एक है राजेश मिश्र जो यहाँ पर थे, अभी दिल्ली में संवाददाता है, और दूसरा नवलपुर से ही कांतिपुर के प्रतिनिधि है नवीन पौड़ेल। ये दोनों नाम से भी हिंदू हैं, वैसे भी लगते हैं हिंदू हैं। तो हमारा एक इसमें कल ही इस आर्टिकल के विरोध में सबसे पहले जनकपुर जलेश्वर से चंदन दुबे ने एक आर्टिकल लिखकर भेजा है जो बहुसंख्यक हिंदुत्व को अतिवाद बोलना खुद में अतिवाद है। और ये चंदन जी ही इसमें कह रहे हैं कि जब जब यह एक विडंबना है कि जब जब हिंदुत्व पर हिंदुत्व का विरोध होता है तो उसमें हिंदू को ही आगे किया जाता है। यहाँ पर दोनों लेखक जो है सो हिंदू है, राजेश मिश्र और नवीन पौड़ेल भी, लेकिन लोगों का कहना है कि ये देखिए दोनों का नाम यूज किया गया है, लेकिन ये आर्टिकल तो तैयार किया गया है कुछ ऐसे लोगों से जो कि खांटी हिंदू को नहीं देखना चाहते हैं, या इस या यह प्रायोजित आर्टिकल है, इसके पीछे किसी का बैकिंग है जो कि इस तरह का आर्टिकल लिखवाया है। सबसे ज्यादा जो पढ़ी जाती है पत्रिका उसमें इस तरह का आर्टिकल जो आया है। इस पर हम आपको बता दें ये शब्द की कमी नहीं है, ये तो दूसरा ये भी हो सकता है कि भारत से ये समझ लिए होंगे कि जैसे फिल्मी हीरो आता है, फिल्मी कोई गायक आया उसका प्रोग्राम चलने वाला होता है तो यहाँ पत्रिका में निकाल के उसके विरुद्ध लड़ा दिया जाता है, और जो कुछ युवा है भारत विरोधी उनको खड़ा कर दिया जाता है जो इसका विरोध करो, और उसका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। ठीक उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ भी इसमें किया गया है कि यहाँ भी इसका विरोध हो, विपक्षी पार्टी इसका विरोध करे और यह प्रोग्राम कैंसिल हो। यानी कि कांतिपुर जो अपना सहानुभूति चिप सहानुभूति लेता है यहाँ के भारत विरोधी युवाओं से, उसको उचालने के लिए, उसको उसकाने के लिए यह आर्टिकल लिखा गया है। अब
वही कारण है कि या लेकिन अभी तक मैं आपको जानकारी दे दूं, ये 24 घंटा से ज्यादा हो गया है इस आर्टिकल को लोगों के बीच में जाने का, इसका विरोध ही हो रहा है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन का कहीं भी विरोध नहीं हुआ है। अभी तक ये खोज रहे हैं, आज के भी पत्र पत्रिका में देखे हैं तो इस आर्टिकल का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है। तो अब क्या है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, वो यहाँ पर आकर 2, 3 और 4 गते भाद्र को शाश्वत धाम जाएंगे। शाश्वत धाम नवलपरासी में है, ये बात अलग है कि नवलपरासी क्षेत्र विनोद चौधरी का निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है, लेकिन वहां पर उन्होंने शाश्वत धाम हिंदुओं का आस्था का केंद्र एक बनाया है, वहां पर इनका प्रवचन 3 दिन होगा। पहले ये काठमांडू आएंगे, यहाँ पशुपतिनाथ का दर्शन करेंगे और उसके बाद शाश्वत धाम जाकर इनका प्रवचन होगा और इनके लिए भव्य तैयारी की जा रही है। पंडाल है, जो पंडाल बनाया जा रहा है उसमें 11,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और ये 3 दिन तक लोग देखेंगे और जो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए डिजिटल व्यवस्था भी की गई है। और शास्त्री जी की टोली है जो 50 से 60 लोग इनकी टोली में है और ये सभी वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ प्रवचन होगा। काफ़ी लोगों में उत्साह है कि शास्त्री जी का दर्शन करें और उनसे ज्ञान हासिल करें। मित्रों, मैं आपको आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो नेपाल में विरोध हुआ है एक आर्टिकल के रूप में मैं इसकी जानकारी दिया हूँ। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जो एक पत्रिका के जरिए विरोध किया गया है मैं उसकी जानकारी आपको करवाया हूँ। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का नेपाल में स्वागत करता हूँ और हिमालयी परिवार उनका भरपूर स्वागत करेगी नेपाल में और उनसे कुछ ज्ञान हासिल करेंगी। मैं आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपके प्रति। और हाँ, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।